हमारे साप्ताहिक शो फेयर एंड स्क्वेयर में आपका स्वागत है। इस अंक में हमारे मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य के रूप में इन्होंने संगठन के साथ काफी काम किया है। इनकी नियुक्ति ऐसे समय पर की गई है जब भाजपा की राज्य इकाई में काफी असंतोष और अंदरूनी मतभेद है और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। श्री सतपाल सत्ती, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सत्ती जी, हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष के रूप में आपकी नियुक्ति शायद इसलिए की गई है कि आप एक कंसेंसस कैंडिडेट हैं। आपको लगता है कि जो पार्टी में मतभेद हैं उनको आप खत्म कर पाओगे? मुझे जो प्रदेश के नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिम्मेवारी दी है उसके लिए मैं उनका जहां धन्यवाद करना चाहता हूं, वहीं पर आपने जो प्रश्न उठाया है कि जो हिमाचल प्रदेश में मतभेद हैं उनको खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन का आदमी रहा हूं, शुरू से इस विचारधारा से जुड़ा हूं। जो प्रदेश के बड़े दो लीडर हैं हमारे, प्रोफेसर प्रियंका धूमल जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय शांता कुमार जी, जो इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस बट वृक्ष को इन्होंने खड़ा किया है उस बट वृक्ष को आगे बढ़ाने में ये अब भी अहम भूमिका निभाएंगे, और उसमें एक सहयोगी के नाते, संगठन का अध्यक्ष होने के नाते, दोनों में कंसेंसस बनाते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मतभेद का कारण क्या है? लोकतंत्र में आप जानते हैं कि कई बार आदमी की, एक व्यक्ति की कोई और सोच है, दूसरे की कोई और सोच है, और यही लोकतंत्र भी है ऐसा मेरा मानना है। ये मतभेद बहुत बड़े लेवल तक, झगड़ों तक ना पहुंच जाए, ये हमें प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और अलग अलग क्षेत्रों से हमारे लीडर्स आते हैं, अलग अलग उनकी बैकग्राउंड रहती है, अलग अलग फैमिली से आते हैं। कोई एक पार्टी की, जो हमारी पार्टी है, जो कोई एक परिवार की या एक किसी की तानाशाही के अंतर्गत तो चलती है, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो। तो मैं, जब आदमी अलग अलग जगह से आएंगे तो उनके अलग अलग विचार भी होंगे, अलग अलग सोच भी होगी, तो उसके कारण जो हमारी पार्टी में कई बार ऐसा आ जाता है, मैं इसको मतभेद तो नहीं कह सकता, कुछ भ्रांतियां हो जाती हैं आदमी को, उन भ्रांतियों के कारण कई बार फिर वो मीडिया में चली जाती हैं जो नहीं जानी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं शायद मतभेद नहीं है, लेकिन शांता कुमार ने बड़ा क्लियर कहा है कि उनका जो भाजपा स्टेट की यूनिट है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो तो टिप्पणी भी नहीं करते हैं इसके ऊपर। आदरणीय शांता कुमार जी एक उन नेताओं में से हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को शुरुआत की थी जनसंघ के समय से। आज मुझे लगता है कि, मैंने भी अखबार में पढ़ा, उन्होंने कहा है कि हिमाचल में से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, संगठन में मैं इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। शायद उनको ऐसा लगता होगा कि जिनकी जिम्मेवारी है वो इसको संभालें, और प्रोफेसर प्रियंका धूमल जी हैं या फिर राष्ट्रीय स्तर से जो प्रभारी हैं उसके नाते उन्होंने बयान दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनको इसमें इंटरफेरेंस भी करनी पड़ेगी और हम उनसे करवाएंगे भी, और उनको प्रदेश की जो जिम्मेवारी है, एक लोगों में उनकी जो एक इज्जत मान है उसके नाते उनका जो सहयोग भी लेना चाहेंगे, और उन्हीं के द्वारा लगाया गया जो बट वृक्ष है और इसको अंतिम समय तक उनसे सिंचवाएंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आपका सियासत में इतना अनुभव नहीं है कि आप इतने दो बड़े नेता शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल के बीच में जो मतभेद हैं उनको आप खत्म कर सकें? सियासत में इतना मत नहीं है, आपकी बात सही है। मैं क्योंकि पिछले 10 साल से ही भारतीय जनता पार्टी में हूँ, इससे पहले मैं विद्यार्थी परिषद में रहा। बड़े नेता हैं आप, इसमें भी कोई दोहरा नहीं है, बड़े आधार वाले नेता हैं दोनों, अगर ये कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश में ऐसे दो बड़े नेता हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, कई बार परिवार का छोटा सा व्यक्ति भी, परिवार में कई बार ऐसे होता है कि माँ बाप कई बार छोटे बच्चे के कारण भी इकट्ठे रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो शायद मैं उनके अनुज हूँ उनका, तो उनके नाते मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे अनुसार जैसा मैं कहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उसको मानेंगे और संगठन के हित में काम करेंगे, और आज भी कर रहे हैं। महेश्वर सिंह के बारे में आपका क्या विचार है? क्या उनको आप दोबारा पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे? महेश्वर सिंह जी छोड़ के गए हैं पार्टी को। महेश्वर सिंह जी भी उन्हीं नेताओं में से एक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रहे, 3 बार एमपी रहे, एमएलए रहे। वो भी मुझे लगता है कि किसी छोटी मोटी भ्रांति के शिकार हो गए, ऐसा मेरा मानना है। कई बार कमियां भी रह जाती हैं संगठन में, कई बार आदमी
इन दिनों हम भी अखबार में जो पढ़ रहे थे या मीडिया में जो आ रहा था, मुझे लगता कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो देश में 5 प्रदेशों के चुनाव हो रहे थे उसमें व्यस्त था, अदरवाइज उनकी बात को महत्व नहीं देंगे ऐसा मैं नहीं मानता। वो गए हैं और मेरी अब मैं आज ही दिल्ली में मिलकर के आया हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व से, मेरी बात हुई है और प्रदेश के नेतृत्व का भी ये कहना है कि वो वापस आए तो हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं और उनसे वापस लाएं। लेकिन दिल्ली की पार्टी हाईकमान क्या कहती है कि आप उनके साथ बातचीत करके उनको वापस लाएं या उनका कड़ा विरोध करें? नहीं, उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति पार्टी में आना चाहते आप उसको लाएं और अगर हमारे सहयोग की जरूरत है तो आप हमें बताएं, हम भी बात करने को तैयार है, ऐसा उन्होंने मेरे को कहा है। जब भाजपा हिमाचल भाजपा का नया अध्यक्ष चुनना था तो 3-4 और नेता के नाम भी चल रहे थे, आपको क्या लगता है कि आपको क्यों चुना गया? जो तो आप प्रदेश के नेतृत्व से और राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछ सकते हैं जिन्होंने बनाया है, मेरे से तो कोई बात नहीं। पर आपको लगता है कि आप क्योंकि एबीवीपी के बड़े पुराने सदस्य हैं, आरएसएस के वर्कर भी हैं, तो इसका शायद योगदान रहा होगा आपको पार्टी अध्यक्ष बनाने में? हमारी पार्टी में पार्टी की विचारधारा के बैकग्राउंड को तो देखा ही जाता है, उसमें इसकी अहम भूमिका रही होगी ऐसा मैं मानता हूँ। आप एबीवीपी और आरएसएस के साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, तो आगामी विधानसभा चुनावों में आप कोशिश करेंगे कि इन संगठनों के जो मेंबर्स हैं उनको ज्यादा टिकट मिले? जहां तक टिकट का विषय है, हमारी पार्टी में कलेक्टिवली जो निर्णय होता है अध्यक्ष नहीं लेता, अध्यक्ष की उसमें अहम भूमिका जरूर रहती है लेकिन कलेक्टिवली निर्णय होता है और विद्यार्थी परिषद, आरएसएस या फिर अन्य क्षेत्रों से भी जो लोग आते हैं उन सबको लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही वर्ग को टारगेट बना करके हम लोग चलेंगे, क्योंकि पार्टी में चारों तरफ से लोग आने चाहिए, उसी कारण पार्टी आगे बढ़ती है। ये लोग विचारधारा के बैकग्राउंड के होते हैं इसलिए इनको महत्व तो दिया ही जाता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जहां से भी अच्छा कैंडिडेट मिलेगा हम उसको लेंगे। लेकिन आजकल युवाओं का जमाना है और आप क्या चाहेंगे कि युवाओं को कितनी सीटें मिलें? हिमाचल प्रदेश में ये बहुत अच्छा रहा है जी, हमारे पड़ोसी राज्यों के सिवाय भी अगर आप हिमाचल में देखेंगे तो पहले से ही बहुत युवा है भारतीय जनता पार्टी में, और आगे भी जहां जहां जरूरत होगी जो वरिष्ठ नेता हमारे हैं उनको उचित स्थान देते हुए नए जो कनिष्ठ अभी एंट्री चाहते हैं पार्टी में उसको आपसी विचार विमर्श करके जो हमारे प्रदेश की चुनाव समिति होगी वो सारी बात करेगी और हाईकमांड के सामने रख के जो प्रदेश के हित में होगा और पार्टी के हित में होगा उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। सती जी, आपको एक बड़े तेज तरार राजनीतिज्ञ माना जाता है, तो आप जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके जो विधायक हैं और सरकार के बीच में तालमेल कैसे लाने की कोशिश करेंगे? जहाँ तक आपने तेज तरार का कहा जी, मैं सीधा आदमी हूँ, ग्रामीण आदमी हूँ, उसके कारण कई बार आप जैसे जो हितैषी हैं वो तेज तरार भी बोलते हैं, उसमें और भी कई चीजें जोड़ते हैं। मेरा जो मानना रहता है जो आदमी पॉलिटिक्स में है, एक तो आदमी की प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं नहीं जी मेरा निजी मामला था, पार्टी जो पब्लिक का आदमी है उसका कोई निजी नहीं होता है, उसके नाते मैं हर MLA से या हर मिनिस्टर से या अपने नेताओं से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हम लोग पारदर्शितापूर्ण काम करें और जहां तक हो सके हम पूरा एक कार्यकर्ताओं की भावना को ध्यान में रखते हुए काम करें, और पार्टी को जितनी मेहनत की जरूरत होगी वो मैं भी मेहनत करूंगा, जो अकेले आदमी का तो काम नहीं है, चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा होता है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, इसमें मेरे से बड़े सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, गांवों गांवों तक पार्टी लगी हुई है, उन कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाते हो कि आपकी बात को सुना जाएगा और उच्च स्थान पर पहुंचाया जाएगा और जो संभव होगा उस काम को हम लोग आपके हित में करेंगे, ऐसा लेते हुए मैं कोशिश करूंगा कि पूरा जो संघ परिवार जिसको हम कहते हैं वो सब लोग लगेंगे तो मुझे लगता है हिमाचल में हम पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाएंगे, हिमाचल में बहुत बड़ा हमारा कैडर है। मुख्यमंत्री की तरह आप भी ठाकुर हैं और आप हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से हैं, तो ऐसे लग रहा है कि जो सारी सियासी ताकत है वो एक ही क्षेत्र में केंद्रित हो रही है, आपको नहीं ये लगता? मुझे मेरा ये मानना है जी, आज अगर कोई ये कहे कि शांता कुमार जी कांगड़ा से हैं तो शांता कुमार जी तो राष्ट्र से हैं, मैं ये मान के चलता हूँ राष्ट्रीय नेता। ऐसे ही धूमल साहब है वो पूरे प्रदेश के हैं, ऐसे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय महामंत्री है, मैंने भी कहीं अखबार में पढ़ा कि वो भी इसी पार्लियामेंट से हैं, तो वो तो पूरे देश के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, तो कहां से व्यक्ति को उठाना है? अनुराग जी हैं, वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट है युवा मोर्चा के, वो भी पूरे देश के प्रेसिडेंट बने हैं, और जो MP होता है उसका दायरा कोई 67 या 17 विधानसभा नहीं होता है, वो पूरे प्रदेश का एक 4 में से एक व्यक्ति होता है, तो मुझे नहीं लगता कि सियासी ताकत हमारी एक जगह इकट्ठी हुई है। लेकिन कई क्षेत्र हैं जैसे शिमला, एक फीलिंग है कि उन क्षेत्र को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है।
नहीं, शिमला को रिप्रेजेंटेशन हमने दी है जी, उसमें जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं उसमें शिमला के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। शिमला को हमने एमपी भी अभी राज्यसभा में भी दिया है, लोकसभा में भी हमारा एमपी है और वहाँ से 3 विधायकों में से एक मिनिस्टर है हमारे, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज जी वहाँ से हैं, राज्यसभा में वो लोग रहे। हमने कभी वन साइड कहीं निवेश नहीं किया, हमने सब जगह एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक जिम्मेवारी का विषय है तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोच के दिया है। आपसे पहले जो भाजपा के हिमाचल के अध्यक्ष थे खीमी राम, वो एक ब्राह्मण हैं और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो ऐसे लग रहा था कि ब्राह्मण थोड़े नाराज हैं। आपको लगता है कि अब उनको मिनिस्टर बना दिया गया है तो अब वो नाराजगी खत्म हो गई है? जहाँ तक मेरा ये मानना रहता है जी, ये जो जातिवाद का विषय रहता है ये बहुत बड़ा विषय होता नहीं है, खास करके मुझे लगता है कि ये नॉर्थ इंडिया में, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है। मेरे चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है हर बार, नहीं कई बार लोग बनाते हैं जिनके निजी स्वार्थ होते हैं जी। मैंने वो लोग भी जीते हुए देखे हैं जिनके 2% वोट भी हैं, वो भी जीते हुए मैंने देखे हैं, और वो भी हारते हुए देखे हैं जिनके 48% वोट्स भी हैं। उनमें डिटेल में अगर आप पुराना रिकॉर्ड उठा के कैंडिडेट्स का और उनकी कास्ट का उठा के देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं रहता है, मेरा ऐसा मानना है। और जब मेहनत आदमी करता है तो मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता जी। अब वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम हिमाचल भाजपा के नए अध्यक्ष सतपाल सत्ती से बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, हम बात कर रहे हैं हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती से। सतपाल जी, आप एक पढ़े लिखे नेता हैं, आपने एमए की है, एमफिल भी की है, तो आपने फिर राजनीति में आने का विचार कैसे बनाया जी? आपने अच्छा प्रश्न किया जी, मेरी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना कभी ऐसा मन में आया था। विचारधारा से जुड़ने के कारण मैं विद्यार्थी परिषद में एक्टिव हुआ, और जहाँ तक राजनीति का विषय है, शायद मेरे क्षेत्र में कोई पार्टी के मन में नया कैंडिडेट देने का विषय नहीं होता तो शायद मैं अप्लाई भी नहीं करता, और मैंने उस समय भी अप्लाई नहीं किया था। मुझे कईयों ने बोला, उससे पहले भी बोला था 98 के चुनाव में, तो मैंने तो बाई चांस ही कह लें कि मैं राजनीति में आया हूँ, स्थान खाली था, पार्टी को लगा ये व्यक्ति आया है उसके। लेकिन आपको राजनीति में लाने का श्रेय किसको जाता है, कौन से लीडर को श्रेय जाता है? प्रोफेसर धूमल जी यूनिवर्सिटी के समय से वाकिफ थे, क्योंकि हमारे वो वहाँ पर स्टूडेंट जो हमारी ईसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती है उसके वो मेंबर थे, एमपी के नाते भी वो आते रहे, और अपने पार्लियामेंट से थे, उसके कारण इंट्रोडक्शन भी होती रही, मिलना गिलना चलता रहा, और कई कार्यक्रमों में, अनेकों कार्यक्रमों में, जिस समय शांता कुमार जी 90 से 93 चीफ मिनिस्टर रहे उस समय उनसे भी मिलना गिलना रहा। लेकिन टिकट देने का जहाँ तक विषय है, उसमें पार्टी की ओर से कलेक्टिवली जो निर्णय उस समय हुआ, और पार्टी को लगा कि जहाँ कोई नया व्यक्ति आना है, क्योंकि मेरे जगह जो ठाकुर देशराज जी होते थे उनका बहुत लंबा चुनावी समय हो गया था, तो पार्टी ने बदलाव लाना था, तो उसके कारण मुझे टिकट मिला, धूमल साहब ने उसमें सहयोग किया। आप ऊना से 2 बार विधायक बने हैं, लेकिन ऊना के पास महतपुर के लोग कह रहे हैं कि जैसे बद्दी की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, विकास हुआ है, वो उस एरिया का विकास नहीं हुआ है,